नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल डंके की चोट पे में आपका तहे दिल से स्वागत है। और आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे फ्रिज में नहीं रखनी चाहिए ये चीजें के बारे में। इस वीडियो को लास्ट तक देखें। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे YouTube चैनल डंके की चोट पे तुरंत सब्सक्राइब करें, क्या कि इस चैनल पर हम आपके लिए ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी वाले वीडियो रोज लेकर आते रहते हैं। फ्रिज में न रखे ये सामान। रेफ्रिजरेटर में चीजों को इसलिए रखते हैं ताकि वे खराब न हों, लेकिन कुछ चीजों को फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, वे बाहर ही ज्यादा सुरक्षित रहती हैं। इनमें से कुछ के बारे में आपको पहले से ही पता होगा, लेकिन कुछ आपको हैरान कर देंगी। कॉफी। फ्रिज में रखने पर कॉफी अपना सारा स्वाद खो देती है, तो बेहतर है कि आप इसे एयरटाइट जार में बाहर ही रखें। फ्रिज में रखने पर यह अपनी कुदरती गंध भी खो देती है, इसलिए इसे बाहर ही रखना चाहिए। तेल। तेल को कभी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। फ्रिज में रखने से यह गाढ़ा हो जाता है और कुछ हद तक मक्खन की तरह हो जाता है। कुछ तेल जैसे नारियल और ऑलिव ऑयल को खासतौर पर फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, और जब आप इन्हें फ्रिज से निकालते हैं तो इन्हें सामान्य तापमान तक आने में काफी समय लगता है। प्याज। प्याज को तो कभी भी फ्रिज में न रखें। फ्रिज में रखने पर ये न सिर्फ पिलपिले हो जाते हैं, बल्कि इससे फ्रिज के अंदर भी अजीब सी गंध भर जाती है। इससे फ्रिज में रखे अन्य सामान न पर भी इसका असर आता है, तो बेहतर है कि प्याज को बाहर ही रखा जाए। आलू। आलू स्टार्च से भरा होता है जो ठंड में बुरा असर डालती है। ठंड में स्टार्च शुगर के रूप में टूटने लगता है, इससे यह ग्रीटी और एक प्रकार से मीठा हो जाता है। इससे इसका स्वाद और आकार दोनों खराब हो जाते हैं। आलू वास्तव में ठंडे और अंधेरे में ही रखने चाहिए। अच्छा है अगर आप इन्हें कागज में लपेट कर रखें और प्याज से दूर, क्योंकि दोनों को साथ रखने पर दोनों जल्दी खराब हो सकते हैं। टमाटर। टमाटर पकने पर ज्यादा स्वाद देते हैं, लेकिन फ्रिज में रखने से टमाटर के पकने की कुदरती प्रक्रिया रुक जाती है। फ्रिज में रखने पर वे मुलायम हो जाते हैं और उनके भीतर बर्फ के कण जमने लगते हैं। इसके बजाय आपको चाहिए कि आप ताजा टमाटर खरीदें और उन्हें फ्रिज में न रखें। शहद। शहद कुदरती प्रिजर्वेटिव है, तो अगर आप इसे बरसों तक जार में ऐसे ही रखा रहने दे तो भी यह खराब नहीं होता। शहद को फ्रिज में रखने से उसमें चीनी के कण जमा हो जाते हैं और शहद सख्त हो जाता है, ऐसे में इसे जार से निकालना मुश्किल हो जाता है। खरबूजा। फ्रिज में रखने से खरबूजा अपने एंटीऑक्सीडेंट गुण खो देता है, खासतौर पर अगर आप उन्हें बिना काटे फ्रिज में रखें तो इसके एंटीऑक्सीडेंट गुणों पर विपरीत असर पड़ता है। हालांकि काटकर आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं। ब्रेड। फ्रिज में रखने से ब्रेड जल्दी खराब होती है। फ्रिज में रखने पर यह जल्दी सख्त हो जाती है और आसानी से चूरा हो जाती है। अगर ब्रेड सैंडविच के रूप में हो तो आप उसे फ्रिज में रख सकते हैं, अन्यथा आप उसे फ्रिज में न रखें और सीधा फ्रिजर में रख दें। लहसुन। लहसुन फ्रिज के बाहर भी सुरक्षित रहता है, बल्कि अगर आप इसे फ्रिज में रखेंगे तो यह ज्यादा जल्दी खराब होगा, तो लहसुन को फ्रिज के बाहर ही रखना चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर जैसी जगहों पर शेयर करना ना भूलें। और अगर आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल या सुझाव चल रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें, हम जल्द से जल्द जवाब देंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक हमारा YouTube चैनल डंके की चोट पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि रोजाना हम आपके लिए ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी वाले वीडियो लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।